हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी रहें आप लोग सही से रहें, और जो भी आपको फॉलोअप्स बताए जा रहे हैं उनको सभी को फॉलो करें, क्योंकि उसके बिना बहुत मुश्किल है। तो अभी यहाँ पे आज जनता कर्फ्यू का दिन है, सभी लोग अपने अपने घरों पे हैं, और बच्चों के लिए थोड़ा सा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम हो जाता है। मैंने जब से मुझे छुट्टी मिली है तब से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देने वाली। तो यहाँ पे अभी मैंने उसे कुछ कलर्स दिया था और वो उसके साथ खेल रही है, कुछ ड्राइंग्स वो कर रही थी। तो उसने यहाँ पे अपना एक छोटा सा टेबल अरेंज किया है और अपनी कुछ जो भी जितनी बिलोंगिंग्स है वो अपना यहाँ रखती है। साथ में अभी सुबह का वक्त है तो जस्ट मैं आपको बाहर लेकर जाऊँगी कि क्या हाल है बाहर का। और जैसा कि पता है कि अभी इटली से पहले, सबसे पहले तो चाइना में, उसके बाद इटली, और अभी जो सिचुएशन है उसका है कि न्यूयॉर्क में, वो न्यूयॉर्क जो है एक एपिसेंटर बन चुका है। तो नेक्स्ट किस कंट्री की का टर्न है वी डोंट नो। तो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग सा ये हो गया है, क्योंकि मेरे साथ में मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पर रह रहे हैं, तो मुझे अपने बच्चों के साथ साथ उनका भी बहुत ध्यान रखना है। तो ये है कुछ इस तरह का व्यू मेरे बालकनी से, और वेरी रेयर रेयर पीपल आर मूविंग अराउंड। अभी तो कुछ दिख रहा है, लेकिन इससे पहले पूरा खाली था, और कुछ इस तरह का ही है। लेकिन जो इस तरह की इलिटरेट पीपल है, आई डोंट नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है एंड वाई दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। लाइक यहाँ पे एक टेंडर कोकोनट सेलर है, ही स्टिल वेटिंग दैट समबडी विल कम। शायद ये भी रीज़न होगा कि उन्हें अपना पेट पालना है जिसकी वजह से खड़े हैं, बट स्टिल इट इज़ अ हाई रिस्क, दे शुड अवॉइड। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो दोज आर स्टिल टेकिंग इट इज़ वेरी कैजुअली, तो एटलीस्ट दे शुड पुट अ मास्क और दे शुड सैनिटाइज देयर हैंड। एक दो लोगों को मैंने अभी जस्ट देखा है, और जो ऑटो से जा रहे थे वहाँ पर देखा मैंने एक लेडी, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। तो लाइक दैट, इन दैट वे, इफ इट इज़ इनएविटेबल यू कैन गो व्हाट टू डू, बट स्टिल अगर आपके घर में दाल चावल है तो उससे मैनेज कर लीजिए, बट डोंट गो आउटसाइड, इज वी ऑल आर एट अ हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्की है। और आई डोंट नो द कंडीशन एंड सिचुएशन रिगार्डिंग पटना एंड रांची, स्टिल दे आर वेरी कैजुअल एंड दे आर गोइंग मूविंग अराउंड। और ये नहीं समझ रहे हैं कि शायद उनमें से किसी को भी, अगर कोई भी ऐसे जो आए हों ट्रेन से या फ्लाइट से आए हों कुछ दिनों पहले, सो दे मे कॉन्टेमिनेट अदर पीपल। सो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये देखिए यहाँ पे भी पूरा फिर से सन्नाटा हो गया है, वैसा हार्डली होता था। माई हाउस इज़ जस्ट नियर द मेन रोड, तो यहाँ हमेशा जो है वो हलचल सी रहती थी, बट इज राइट नाउ सी द कंडीशन, नथिंग इज देयर, ओनली सम काइंड ऑफ अ ग्रेट पीपल ह्यूमन बींग्स आर मूविंग अराउंड। आई फील दोज हु कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्फ, दे वॉन्ट टू, इफ दे वॉन्ट टू चिट चैट, दोज पीपल आर देयर। लाइक सी आई विल शो यू, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। Okay, so take care, be inside, be safe and think for others. और बस यही सारी बातें दिन भर हम लोगों की वही चली रही है जब से ही कोरोना वायरस इंडिया में आया है। एंड आई फील कि जो जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्री के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स को ये अलाउ नहीं करना चाहिए था कि वो अपने अपने कंट्री चले जाएँ। आई थिंक कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। जो जहाँ पर थे वहाँ पर एक मीटिंग हेल्ड करके, उनसे बातचीत करके, डायलॉग करके, ये होना चाहिए था कि आप जहाँ इतने हैं आप उनको देखिए, मेरी कंट्री में जो है मैं उन्हें देखूंगा। बट ये जिस तरह से माइग्रेशन हो रहा है यहाँ का वहाँ वहाँ, तो आई फील कि सबसे पहले तो उनकी वजह से ये हो जा रहा है, और बस ये ज़्यादा एक टेंशन की बात हो रही है, क्योंकि जितने लोग भी आ रहे हैं और जो क्वारंटाइन में हैं वो भी उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जो है एक इशू हो गया है। और बस यही सारी चीज़ें, इतनी सारी डिस्कशन, इतने सारे थॉट्स, और दिन भर न्यूज़ चैनल के सामने बैठे रहना, बस यही चल रहा था। और अभी मैं बना रही हूँ पेरेंट्स सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ रागी डोसा, पापा को मेरे ये बहुत पसंद है। एनीवे ये सबसे सभी का फेवरेट है, तो यहाँ पे एक्चुअली दे आर डायबिटिक, लेकिन डोसे के साथ अगर आलू ना रहे तो फिर उसका मज़ा नहीं रहता, तो मैंने बहुत ही कम एक थिन लेयर डालकर बना रही हूँ उनके लिए। तो जो मेरे पास डोसा का बैटर था उसी बैटर में मैंने रागी पाउडर ऐड कर दिया और रागी डोसा के फॉर्म में से बना दिया है। साथ में मैंने आज जो चटनी बनाई थी वो है मूंगफली की चटनी, तो अभी तो वो रेसिपी देने की मैं बिल्कुल भी उस मूड में नहीं हूँ,
सारा टेंशन जो है भी जा रहा है सिर्फ कोरोना के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को दिया है नाश्ता, तो वन बाय वन सभी को इस तरह से नाश्ता दे देकर मैं छुट्टी कर रही थी। और यहाँ पे मम्मी है, तो वी आर जस्ट कन्फाइंड टू आवर हाउस, यहीं पे बैठकर जो भी बाहर का सिचुएशन है उसे देख रहे हैं। एंड जो उनके लिए था, पेरेंट्स के लिए, जैसा मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में कि वी आर मेकिंग अ आई एम मेकिंग अ मिराकल ड्रिंक फॉर पेरेंट्स, उससे उनको बहुत कंट्रोल हो गया था। साथ में ऑरेंजेस जितने भी फ्रूट्स थे वो ले रहे थे, लेकिन अभी जिस तरह का जनता कर्फ्यू आ गया है तो आज एक दिन के लिए है, उसके बाद अगर मौका मिलता है तो फिर जाकर वो सारी चीज़ें को लेकर आऊँगी। और बाहर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, तो यहाँ पे बस बीच में भी बाहर जाती, फिर देखती सिचुएशन को और फिर आती। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डोसा बनकर तैयार है, बाकी लोगों के लिए मैं घी पे बना रही हूँ डोसा, और हस्बैंड के लिए विदाउट घी। तो इस तरह से मैं गर्मा गर्म सभी को डोसा सर्व किए जा रही हूँ। नाश्ता सभी का हो चुका और बेटी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे आज केक, चॉकलेट केक बनाना सिखाऊँ। तो अभी जस्ट वही बनाएगी इसे, और आप लो देखिए 1 कप शुगर। ओके, तुम डालो। हो गया, चलिए और डालिए इसमें। यस, इतना था। हाँ, 1 कप बस बस। ओके, रिफाइंड इसमें एक डाल, आप तो एक नहीं फोड़ पाएंगे। मैं फोड़ पाऊंगी। फोड़ पाऊंगी, चलो ठीक ठीक से फोड़ लो। इसलिए इसलिए आप फोड़ो धीरे से, धीरे से निकालो, धीरे से निकालो। हाँ, आहिस्ते 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 करना, आहिस्ते। वेरी गुड, पूरा बैक साइड रखिए, वहाँ पे उस पर रखिए। एंड देन ओपन दिस वन, ओपन इट अप। यस, इसमें से आप अराउंड 2 स्पून डालो। बहुत ज़्यादा भरते हैं, इतना डाल डालो और डालो 2 स्पून कोको पाउडर। क्या क्या डाला बेटा हमने पहले? पहले चीनी, हाँ, 1 कप चीनी, शुगर 1 कप चीनी, 1 कप तेल, रिफाइंड ऑयल, एंड देन 1 एग, 1 एग और 2 स्पून 2 स्पून कोको पाउडर। नाउ यू नीड टू मिक्स इट, मिक्स एंड मिक्स। तो आज फारिया बना रही है केक, कौन सा केक बना रही बेटा? चॉकलेट केक, चॉकलेट केक। एंड हियर वी नीड टू ऐड लिटिल बिट डू मिल्क, बट मिल्क क्या हुआ बेटा प्रॉब्लम? वी डोंट हैव मिल्क, वी आर नॉट गेटिंग मिल्क नाउ डेज, सो वी हैव टू मैनेज विदाउट मिल्क। व्हाट इज दिस? हाँ, चलो छोड़ो सर, अभी एक एग और ऐड करेंगे इसमें, हाफ ही डिजॉल्व हो चुका है, अब एक एग और रखो। वाह, कितने अच्छे हैं। अब देख लीजिए सब कुछ हो गया ना, तब देखिए 1 कप मैदा एंड दिस वन अराउंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, पाउडर मिक्स इट विल अगेन आराम से। फारिया तुम्हें याद है बेटा क्या क्या चीज़ डाले थे हम लोग? हाँ बताओ। चीनी, वाह, 1 कप शुगर, 1 कप तेल, ऑयल, कोको पाउडर, 1 कप, 1 स्पून, 1 कप, 1 कप कोको पाउडर नहीं, 2 स्पून, 2 स्पून बाद में मिक्स इट नाइस वेल, बाद में से पकड़ो बेटा, ये क्या था? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर एंड 1 कप मैदा, 1 कप मैदा और एग, एग में नहीं, एग नहीं बोली, कितना डाले थे पता है? 2। कट एंड फोल्ड, कट फोल्ड, कट आहिस्ते,
cut and fold. Okay. चलो. Now we have taken two baking tray. ऐसा bowl है मेरे पास इस तरह का. तो batter को इसमें divide कर देंगे. उससे पहले first of all fire will do what? You need to grease it. थोड़ा सा तेल लेना. हाँ. और पूरा उसे ये करो. Spread करो अच्छे से. हाँ पूरा. पूरा corner में भी. Sides में करो अच्छे से. Yes. This side also. In that. आधा बोल बेटा. ओके. इसको लगाओ. आप इधर देखोगे तो लोगों को लगेगा कि कौन बनाया. समझ में नहीं आएगा उनको. यहाँ देखो तो. सीस एंड कीप स्माइलिंग. बहुत फोकस बहुत ज़्यादा हो रहा है. पीछे हो जाए बेटा. हाँ इधर चलो. स्माइल तो करो. मैं देखो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी. हट जाओ हट जाओ हट जाओ. थोड़ा सा स्प्रिंकल ताकि वो आराम से निकल जाए. मैदे का कोटिंग कर दूँगी इसके ऊपर. कि मैं कर दूँ. वेस्ट नहीं करना. डालो डालो स्पंज डालो स्पंज डालो. यस. और डालो और डालो और डालो बेटा. चलो दो कलर में बहुत कम डालो. ओके यहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने दोनों बेकिंग ट्रे में केक का बैटर ऐड कर दिया है. और साथ ही साथ मैंने अवन को 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था. जब आपका अवन जो है अच्छे से प्री हीट हो जाता है तो बेकिंग में बहुत कम टाइम लगता है. अदरवाइज़ जस्ट इमेजिन कोई चीज़ बहुत ठंडा सा है और आपने उसमें रखा है तो बहुत टाइम लगता है और जो उसकी टेंडेंसी होती है राइज होने की वो कैपेसिटी कम हो जाती है. तो यहाँ पे 30 मिनट्स होने के बाद मैंने केक को यहाँ पे केक जो वेसल है मैंने उसे यहाँ पे डाल दिया था. अगेन 30 मिनट्स के लिए मैंने इसे बेक किया था. और उसके बाद जब थोड़ा ठंडा हुआ तो फिर मैंने इसे बाहर निकाल दिया है. काफ़ी फ्लफी सा बना है ये और बहुत ही सिंपल सा केक आज बेटी ने बनाया है. तो इस तरह से आज मैंने जनता कर्फ्यू के दिन हम लोगों ने अपना वक्त बिताया. बस जो 5 बजे हमें यहाँ पे अपलोड करना है फॉर ऑन अकाउंट ऑफ जो भी हमारे वॉरियर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स और पुलिसमैन हैं, जितने भी लोग जो असेंशियल्स ड्यूटीज़ के अंदर आते हैं और अपना काम कर रहे हैं हर सारे रिस्क को अपने ऊपर लेकर, उन सभी के लिए एक बिग सैल्यूट. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.